आपको एक चुनाव करना है। आपके पास जमीन है और आप इन दोनों में से कौन सी फसल को बीजोगे? पहला बीज आपको खाने लायक फसल देगा, दूसरा बीज आपको जहरीली फसल देगा। कौन सा चुनोगे? स्वाभाविक आप पहला ही चुनते। यहाँ पे चुनाव करना कितना आसान था। हमारा मन भी भूमि की तरह है, जैसा बीज बोते हो वैसी फसल मिलती है। किसी ने सोचा था लोहे को हवा में उड़ाएंगे, जहाज बन गया। किसी ने सोचा कि आतंक फैलाएंगे, हिटलर आ गया। हमारे मन का स्पष्टता से सोचने का बहुत महत्व है। जीवन में अगर कुछ बड़ा फैसला लेना हो तो हम इतनी आसानी से चुनाव नहीं कर पाते। मन को चलाना तो दूर, हम गुलाम हैं मन के। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? इतनी स्पष्टता से सोचने के लिए एक खास किस्म की ट्रेनिंग की जरूरत है, जिससे व्यक्ति के मन का विकास हो सके। आम व्यक्ति में और स्वामी विवेकानंद में जरा सा भी फर्क नहीं है, लेकिन एक आम व्यक्ति को सही रास्तों का नहीं पता। पिछली वीडियो में मैंने आपको सिखाया था मन को शांत कैसे करना है। आज सिखाऊंगा तीव्र बुद्धि कैसे हासिल करनी है। उस दिन पहला कदम उठाने को कहा था, आज दूसरा कदम उठाने को कहूंगा। और ध्यान में रहे, पहला और दूसरा कदम उठाए बिना आगे के मुश्किल कदम नहीं उठाए जा सकेंगे। जैसे जैसे वीडियोस बनाता जाऊंगा, टीचिंग्स का लेवल आसमान छूने लगेगा। गहरे अर्थों में वही समझ पाएंगे जिन्होंने पहले का समझा होगा। इसे मैं दो स्टेप्स में बताऊंगा, मन कैसे कब क्यों भटकता है। दूसरा स्टेप है, करना क्या है आखिर, अपने दिमाग के पैटर्न्स को कैसे बदलना है। मानिए कि आप कहीं घूमने गए और वहां पे आपने एक पहाड़ को देखा। आप घर वापस आ गए, आपको फिर से पहाड़ों को देखना पड़ेगा तो क्या करना पड़ेगा? सोचना। सोचते वक्त हमारा दिमाग क्या करता है, हमें तस्वीरें दिखाता है। लेकिन हमारा मन एक और काम भी करता है साथ में, वो किसी दूसरी तस्वीर को पहली के साथ चुपके से जोड़ देता है। इसे भटकाव कहते हैं। यहाँ से मन का भटकना शुरू हो जाता है। ये तो बहुत ही आसान सी बात हो गई, लेकिन हम ये नहीं जानते हमारे मन को बहुत सी चीजें घेरे रहती हैं, जिसकी वजह से मन भटक जाता है। पीजे सहर जहन योगा में कहते हैं, ये जो हमारा भटकने वाला मन है, ये तो हमारे मन का एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा है, और यही छोटा सा हिस्सा हमें उलझाता रहता है। इसके आगे और भी बहुत कुछ है, लेकिन व्यक्ति इससे निकल जाए तब ना। तो मैं इसे एक उदाहरण से समझाता हूँ तो आपको समझने में आसानी होगी। अब हम हमारे मन को परखेंगे। आप ध्यान देना, मन कैसे रेत की तरह फिसल जाता है और हमें उसका पता ही नहीं चलता। मन को परखने के लिए मैं एक टॉपिक लेता हूँ, आदमी क्या है। आदमी शब्द का अर्थ क्या है, मैं इसे डिक्शनरी में देखता हूँ। डिक्शनरी शब्दों के अर्थ और उनके स्पेलिंग जानने में सहायक होती है। मैं अपने स्पेलिंग के बारे में जब भी सोचता हूँ, मुझे अपने ऑफिस में काम करने वाली स्टेनोग्राफर की याद आ जाती है। उसके स्पेलिंग्स देखकर मुझे अपने स्पेलिंग्स पे शक होने लगता है, लेकिन वो अपने कपड़ों में, मेकअप में बला की खूबसूरत लगती है। उसकी आंखें, उसका चमकता हुआ चेहरा, उसकी उन झलकियों का अर्थ तो दुनिया की कोई भी डिक्शनरी ना कर पाए। हमारा टॉपिक क्या था, आदमी क्या है, लेकिन कुछ शब्द मुझे बहा ले गए और मुझे ऑफिस में काम करने वाली स्त्री की याद आ गई। ये पहला भटकाव है। ये दर्शाता है कि हमारे अंदर दबी हुई काम वासना उठ खड़ी होती है। और इससे हमें ये सीखने को मिला, जब हम किसी चीज पे गंभीर विचार करते हैं तो मन के अंदर सेक्स सेंटर सक्रिय हो गया था। आप फिक्र मत करें, इन वासनाओं का कैसे निवारण करना है वो हम आगे आने वाले चैप्टर्स में बहुत अच्छे से सीखेंगे। एक बात पे आप ध्यान दें, भटकाव दो तरीके के होते हैं। पहला तो व्यक्ति कई बार सही मुद्दे पे लौट आता है, और दूसरा वो लौटता ही नहीं, सोच कहीं से शुरू करता है
खत्म कहीं पे हो जाती है, तो व्यक्ति सोचता है अरे मैं ये क्या सोचने लग गया। डिक्शनरी में आगे लिखा है व्यक्ति जानवरों से और एंजल से अलग होता है। मैंने अपनी पत्नी को आवाज दी, देखो जरा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तुम इंसान हो, एंजल नहीं हो, और आज से मैं तुम्हें तुम्हारे नाम से बुलाया करूंगा। पत्नी ने पलट जवाब दिया, ठीक है आज से मैं भी तुम्हें जानवरों के नाम से नहीं बुलाऊंगी, तुम तो अपनी उस ऑफिस वाली को ही एंजल बुलाना। ये दूसरा भटकाव है जो हमारे अंदर की ईगो अहंकार को दर्शाता है। पहले सेक्स सेंटर ने भटका दिया, इस बार ईगो या अहंकार ने भटका दिया। हम इन छुपी हुई वासनाओं के आगे कमजोर पड़ जाते हैं, और उससे भी बदतर बात यह है हमें उनका पता ही नहीं चलता। हमें इसे बदलना ही पड़ेगा। व्यक्ति को ख्याल आता है अरे मैं फिर से भटक गया, फिर से मुद्दे पे आ जाता है। डिक्शनरी में लिखा है व्यक्ति जानवरों से अलग होता है। जानवर आलीशान घर नहीं बनाते, गहने नहीं पहनते, बेचिंत जीवन जीते हैं। काश मेरे पास भी एक आलीशान घर हो जिसमें संगमरमर का फर्श बिछा हो, काम करने के लिए नौकर हो, मेरा ख्याल रखने के लिए दासियां हो, दौलत हो। यहाँ पर व्यक्ति फिर से भटक गया, और ये भटकाव दर्शाता है किसी दूसरे व्यक्ति पे हमारा अपना अधिकार जमाने की लालसा या लालच की लालसा। कई बार व्यक्ति सही मुद्दे पे लौट जाता है, लेकिन व्यक्ति की गहरी मूर्छा के कारण, सोचने की इस आदत के कारण, वासनाओं के कारण 10 में से 9 मौकों पे वो भटक जाता है। सोचना कहीं से शुरू करता है और उसका अंत किसी और मुद्दे पे होता है। अभी आप खुद सोचिए, हमारा टॉपिक था आदमी क्या है, लेकिन अभी जो हम बात कर रहे थे उसमें जमीन और आसमान जितना फर्क है। अब आप यहाँ पे समझे, मन का भटकना तो बिल्कुल अलग बात है, लेकिन मन को भटकाने के जो कारण है वो दूसरी बात है। अब ये तो उदाहरण के लिए बस एक टॉपिक था आदमी क्या है। हमें जीवन में बहुत से गंभीर फैसलों पे सोच विचार करना पड़ता है। अब ऐसी परिस्थितियों में एक भटका हुआ, एक विचलित मन कैसे सही फैसला कर पाएगा जो अपने ही कारण भटकता है। जैन योगा में ऐसे 10 भटकाव बोले गए हैं, मैंने आपको सिर्फ 3 बताए हैं, लेकिन अगर आप खुद पे काम करो तो आप इन्हें खुद भी जान सकते हो, अगर आपको वो देखने की कला आती है। मन पे कंट्रोल करना ठीक वैसी बात है जैसे बुखार का इलाज करना, पर सिर्फ इलाज करना इतना जरूरी नहीं है जितना ये जानना जरूरी है कि बुखार आने का कारण क्या है। बीमारी की जड़ पकड़ में आ जाए एक बार। तो आज से आपको एक और कदम उठाना है, और वो तरीका ये है आपको आज से किसी एवरेज व्यक्ति की तरह नहीं सोचना है, बल्कि अपने मन को देखने का एक अलग ही तरीका अपनाना है। अंधभक्त नहीं बनना है आपको, आपको जागना है, और जागने का मतलब है जानना। आज से आपको अपनी दिनचर्या में एक बदलाव करना है जिसके प्रभाव आपकी बुद्धि के ऊपर पड़ेंगे। ये प्रयोग हर रोज अकेले में बैठकर 10 से 15 मिनट करना है। अकेले से मतलब है ये प्रयोग आपके और परमात्मा के बीच की बात है। इस प्रयोग में आपको अपने अंदर छिपी हुई वासनाओं का पता लगाना है जो मन को भटकाती हैं। आपको कोई भी टॉपिक ले लेना है अपने जीवन में से, और 15 मिनट उस पे विचार करना है, और अपने मन को भटकने देना है, कंट्रोल नहीं करना है, क्योंकि हमें बीमारी नहीं, बीमारी की जड़ को पकड़ना है। जब जब आपका मन भटके उस कारण को आपको अपनी डायरी में लिखना है और उसकी एक लिस्ट बनानी है। बिना चूके ये आपको हर रोज करना है, अपने पूरे दिन में से 10-15 मिनट निकालने हैं इस काम के लिए, और 15 दिन हो जाने के बाद आपके पास 15 लिस्ट होंगी। उन 15 लिस्टों में से
जो भी एक भटकाव या वासना ज्यादा बार है उसे अलग से एक लिस्ट बनानी है, उसे सबसे ऊपर लिख देना है। ऐसे करते करते एक और नई लिस्ट बन जाएगी। इससे आपको दो तरह के फायदे होंगे। पहला तो इससे आपका कॉन्सेंट्रेशन लेवल बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा, आपका सोचने का तरीका बदलेगा, आप अपने मन की प्रतिक्रियाओं पे नजर रख सकते हो। और दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, आपको अपने अंदर छुपी हुई वासनाओं का ज्ञान हो जाएगा, क्योंकि अब तो हमें पता ही नहीं है हमारे अंदर कौन सी वासनाएं ज्यादा हैं। तो जब हमें पता ही नहीं है तो हम उसे ठीक कैसे कर सकते हैं? पहले आपको बीमारी की जड़ पता लग जाए, और जड़ आपको ऐसे पता चलेगी, फिर उन जड़ों को काटने के लिए आगे आने वाले चैप्टर्स में मैं बात करूं, और उनके निवारण के लिए हम कुछ और प्रयोग करेंगे। अगर आपको इस प्रयोग को थोड़ा और गहराई से समझना है तो इस पे मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना रखी है सीक्रेट मेडिटेशन के नाम से, जिसका लिंक कमेंट्स में मैंने दिया है, आप वहां से देख लो।